जिन लोगों को स्पेस साइंस में जरा भी इंटरेस्ट होगा, उन्होंने ब्लैक होल नाम तो जरूर ही सुना होगा। पर दोस्तों, क्या आपको पता है ये ब्लैक होल्स असल में होते क्या हैं और ये कितने खतरनाक होते हैं? आखिर क्यों बहुत से लोग ब्लैक होल नाम मात्र से ही डर जाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ब्लैक होल की खोज पहली बार 1783 में जॉन मिचेल के द्वारा की गई थी। नासा के मुताबिक ब्लैक होल स्पेस की एक ऐसी जगह है जहां की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल होता है कि किसी पार्टिकल की तो छोड़िए, यहां तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट तक एक बार अंदर जाने के बाद वापस बाहर नहीं निकल पाती। यहां की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग इसलिए होती है क्योंकि किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट या फिर मैटर को एक बहुत छोटी सी जगह में समा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम अपनी पृथ्वी को किसी तरह कंप्रेस करके एक छोटे से टेनिस बॉल जितने साइज का बना दे तो वो एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाएगा। और दोस्तों, ऐसा तब होता है जब कोई स्टार अपने आखिरी समय में होता है, यानी वो एक तरह से मर रहा होता है। जैसा कि हमने पहले बताया, ब्लैक होल से लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती, तो ऐसे में हम मनुष्यों के लिए ब्लैक होल को अपनी आंखों से देख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम उन्ही चीजों को देख सकते हैं जिसपे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में एंटर करता है। पर ब्लैक होल तो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देता, इसलिए ब्लैक होल्स पूरी तरह से इनविजिबल होते हैं। इस तरह उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल भरा काम है, पर स्पेस टेलीस्कोप्स द्वारा स्पेशल टूल्स की हेल्प से ब्लैक होल्स को खोजा जा सकता है। इन स्पेशल टूल्स की मदद से हम जो स्टार्स ब्लैक होल से दूर हैं, उनके मुकाबले ब्लैक होल के नजदीक के स्टार्स कैसा बिहेव करते हैं, ये देख सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।